सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे भी रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो रेलटेल कॉरपोरेशन में एक खबर आई है, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में रेल विकास निगम लिमिटेड है, ये दोनों शेयर हमें पॉजिटिव दिखाई दी, और साथ में उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने लेटेस्ट बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह भी तय हो चुकी है भाई। तो सबसे पहले देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड, कल के दिन है बजट, और आज इन शेयरों में हमें काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट के चलते 260,000 करोड़, ठीक है, 260,000 करोड़ रुपए जो है ना भी एलोकेट किए जा सकते हैं रेलवे के लिए। ठीक है, कैपेक्स तैयार किया जा सकता है 260,000 करोड़ का, तो ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो गया या फिर इससे ज़्यादा जो है ना भी कैपेक्स हुआ इसका बजट में आप लोग देखोगे तो एलोकेट किया गया इससे ज़्यादा रुपीज़, तो आप लोग देखोगे रेलवे सेक्टर नहीं डटने वाला है, फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। तो कल का बजट मार्केट के लिए कैसा जाता है उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको जैसे जैसे खबरें आएंगी बजट के ऊपर वो हम आपके साथ जो भी साझा करते रहेंगे। तो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसके अंदर आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें आज के दिन देखने में मिला, स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग लिया है, और मार्केट में जिस प्रकार की ओपनिंग हुई, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपने देखा होगा, विप्रो का शेयर आपने देखा होगा, हैवी करेक्शन के चलते भी मार्केट हमें फ्लैट क्लोजिंग लेते हुए नजर आई है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि कल बजट है भाई, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भारी भरकम उछाल हमें देखने को मिला है, जो पीछे 2-3 दिन लगातार गिरावट के चलते सबसे ज़्यादा टूटे थे स्मॉल कैप मिड कैप, आज वही सबसे ज़्यादा भागे भी हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं खबरें कैसी हैं और इन शेयरों के कल के कैसे क्या जो लेवल्स वगैरह रहेंगे उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। विदाउट लेवल अभी के टाइम मार्केट में टिकना सही नहीं है, अभी मैं आपको पहले बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते भी, सबसे पहले देखो कि भाई वो कंपनी जिसने आज स्प्लिट और बोनस की डेट अनाउंस कर दी है, तो वो है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, इंफ्रा से बिलोंग कर एक कंपनी, और यहाँ पर देखोगे आज की डेट में कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, स्प्लिट और बोनस की जो डेट है वो अनाउंस हो गई भाई। स्प्लिट जो कंपनी देगी वो आपको पता ही होगा भी 10:2 रेशियो में देगी, यानी कि अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो वो 10 शेयर आप लोग, सॉरी 5 शेयर हैं तो, सॉरी 2 शेयर हैं, ठीक है 2 शेयर हैं तो वो आप लोग देखोगे किस प्रकार से होगा भाई, 2 रुपये फेस वैल्यू हो जाएगी और 10:2 में हो जाएगा, तो यानी कि 1:5, तो 1:5 शेयर आपके हो जाएंगे, 2 है तो 2 शेयर हो जाएंगे भी 10 के इक्वल। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से रेशो तैयार किया गया आज। ठीक है, इसके अपडेट है। उसके बाद आप लोग देखोगे भाई बोनस इशू है, बोनस किस रेशो में दिया है, 1:2 में, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का 1 शेयर है तो उस 1 शेयर के ऊपर 2 शेयर आपको बोनस के मिलेंगे, और 1 शेयर स्प्लिट के रूप में तो उसके 5 शेयर हो जाएंगे। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है अभी 2 अगस्त। ठीक है, तो ये अपडेट है स्प्लिट और बोनस के रिगार्डिंग, इस शेयर में एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है अभी आगे। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड, अगली जो खबर अभी वो है रेलटेल कॉरपोरेशन को लेकर। मार्केट क्लोजिंग के बाद ये न्यूज़ हमें देखने को मिली है जिसका इम्पैक्ट कल के दिन रहने वाला है। यहाँ पर देखो कि 22 जुलाई आज के दिन ये खबर आई है, NSE BSE की साइट पर आप लोग इसको जाकर चेक कर सकते हो भाई। यहाँ पर देखो कि कंपनी ने अनाउंस किया है, बताया है कि इनको जो अभी एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, जो कि 186 करोड़ का रहने वाला है। जी हाँ, 186 करोड़ 81 लाख का ये ऑर्डर है। तो ये कंपनी ने एक बड़ी अपडेट दिया, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी को ये बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। ठीक है, जिस खबर के बाद आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें कल के दिन एक्शन में दिखाई देगा, और 4 साल में इस ऑर्डर को कंपनी कंप्लीट करते हुए नजर आने वाली है। तो चलिए, ये तो हो गया भाई रेलटेल को लेकर, कल स्टॉक में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं रेलटेल और जो अरविंद लाइस के चार्ट। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली हुई अरविंद के अंदर। ठीक है, नीचे में 580 रुपये के आसपास चला गया था, 580 के भी नीचे में निकल गया था, फिर वहाँ से आप लोग देखोगे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शानदार रिकवरी आई है। तो अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है यहाँ पर स्टॉक के अंदर तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो कल आपको अगर इसके अंदर होल्डिंग डटने को मन कर रहा है तो 610 रुपये के आसपास का नीचे में सपोर्ट पर ध्यान रखना भी, 15 रुपये का तो नीचे में आप लोग रिस्क ले ही सकते हो। ठीक है, तो 15 रुपये का नीचे में रिस्की लेवल रहेगा अभी, 15 रुपये का हम रिस्क लेके चलेंगे, और ऊपर में अगर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता है तो ये फ्रेश हाई क्रिएट करते हुए नज़र आ सकता है, ध्यान रखना। तो 610 का कल के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम रहेगा, और उसके बाद जो नीचे में काटा 610 को तो फिर आप लोग देखो 550-580 ये लेवल स्टॉक में बन सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक।
तो यहाँ पर देखोगे रेलटेल को एक अच्छा ऑर्डर मिला है भाई। इससे पहले स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट हमें ऊपर से देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर आप लोग देखोगे अपने हाई प्राइस जो शेयर है वो 15% गिरावट में अभी के टाइम, ठीक है, 15% के आसपास गिरावट है स्टॉक में, और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आने की संभावना है। तो 500 रुपये का नीचे में सपोर्ट रहेगा ये, और ऊपर में बात करें टारगेट्स की तो 561 और 590 ये लेवल स्टॉक में हमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर बजट में कुछ अच्छा अनाउंस होता है तो ये 600 रुपये के आसपास के भी मूव स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं भाई। तो यहाँ से सपोर्ट रहेगा नीचे में 501 रुपये का। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं, और तीसरा हमारा जो मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, इन तीनों के ऊपर नजरें बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।